हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आप देख रहे हैं लीव लाइफ इज सजावट। तो आज मैं आप सभी के साथ एक छोटू सा व्लॉग शेयर करूंगी, उम्मीद करती हूं आप सबको पसंद आए। तो मॉर्निंग के 9 बज रखे हैं और मैं जा रही हूं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी जो बड़ी बिटिया रानी है वो अभी तक सोकर नहीं जगी है, तो उनको पहले मैं उठा देती हूँ फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो ये जग गई है और अब हम जा रहे हैं किचन में। तो यहाँ मैंने कुछ बादाम भिगा रखे हैं पानी में बच्चों के लिए। मैं गर्मियों में बच्चों को पानी में भिगाकर ही बादाम खिलाती हूँ, जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में काले चने। मैं यहाँ पे इन्हें बॉईल नहीं कर रही हूँ, इन्हें काले चने को कच्चे ही मैंने फ्राई कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर ताकि ये पक जाए। तो ये देखिए मेरे काले चने की चाट बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। काफ़ी अच्छे लगते हैं और हेल्थी भी होते हैं। मॉर्निंग में तो कई सारे लोग हैं जो काले चने खाते हैं, वो भी कच्चे काले चने सिर्फ पानी में भिगाकर। तो इसके साथ मैंने लगा दी थी, अपने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं और इन्हें निकाल कर मैं सुखा देती हूँ। तो लीजिए हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और थोड़ी बहुत हमारी किचन गंदी हो रखी थी तो मैंने सोचा किचन को साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद मैं बनाऊंगी आज व्रत का खाना सासू माँ के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो किचन मेरा क्लीन हो चुका है, सारे काम खत्म हो गए हैं। थोड़े से गंदे बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं वॉश करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी व्रत का खाना आज सासू माँ और पति देव का फास्ट है सोमवार का, तो मैं बनाऊंगी समा के चावल की खिचड़ी। तो ये देखिए हमने प्लांट्स की डायरेक्शन चेंज कर दिया है। जहाँ हमने पहले प्लांट्स लगाए थे वहाँ पे धूप नहीं आ रही थी और सीढ़ी पर काफ़ी अच्छी खासी धूप आ रही थी, लगभग 10-15 मिनट की धूप तो आ ही जाती है, तो इसलिए हमने उसे उस साइड लगा दिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं और मेरी बिटिया रानी ही इनको पानी देती हैं, तो आज मेरी बेटी इनको पानी दे रही है। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स की केयर करना, वैसे इनको बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स की केयर करना।
और आज मैं अपनी बैंगल्स चेंज कर रही हूँ। गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं, इतनी गर्मी में इतने बैंगल्स पहनना ठीक नहीं रहता है। मैं सोच रही हूँ मैं कंगन पहन लेती हूँ, और मैंने रेड कलर की बैंगल्स पहन रखे हैं, तो रेड कलर मुझे थोड़ा गर्मियों में एलर्जी दे देता है, खुजली होने लग जाती है हाथों में, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कंगन पहन लेती हूँ। तो मैंने बॉक्स निकाल लिया है और इस बॉक्स में मेरे डेली वाले कंगन रहते हैं जो कि मैं डेली में पहनती हूँ, और मैं इन्हें अलग से ही रखती हूँ। तो मैं यहाँ डिसाइड कर रही हूँ कौन से पहनूँ कौन से नहीं पहनूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कौन से पहनूँ, क्योंकि सारे ही रेड कलर के हैं, और वैसे रेड कलर नहीं पहनने चाहिए गर्मियों में, काफ़ी चुभता है आँखों में, बट मेरे पास देख ही रहे आप सभी रेड हैं, तो इन्हीं में से मैं डिसाइड कर रही हूँ कौन से पहनूँ कौन से नहीं पहनूँ। ज़्यादा चमक धमक भी नहीं चाहिए, सिंपल एंड सोबर होने चाहिए। तो बस मैं देख रही हूँ निकाल निकाल के कौन से ठीक लगेंगे कौन से ठीक नहीं लगेंगे, और शायद मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मुझे कौन से पहनने हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे कौन से कंगन पहनने हैं। मुझे ये वाले कंगन पहनने हैं, इन्हें पहनने के बाद एक राजस्थानी लुक आता है, और इसमें गोल्ड कलर के स्टोन लगे हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीटी लगते हैं, शाइन करते हैं रात में, और स्टोन वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो साड़ी हो, टोरिंग हो, पायल हो, नोज़ रिंग हो, कुछ भी हो, स्टोन जिसमें लगे रहते हैं ना, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये देख लीजिए मैंने पहन लिए हैं, और हल्के फुल्के हैं यार, दो दो कंगन काफ़ी हैं गर्मियों के टाइम में, विंटर सीज़न में चाहे आप भर भर के पहनिए। तो इसे थोड़ा पहनते समय मेरे हाथ में लग गया था एक स्क्रैच, और इन बैंगल्स को मैं उठाकर सेट कर ऐसे ही रख दूँगी। फिर कभी मन करेगा, थोड़ा अच्छा सा मौसम हो जाएगा, हल्की सी ठंड हो जाएगी, तब इस तरह के बैंगल्स पहने तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, साथ ही साथ कंफर्टेबल भी होते हैं। पर गर्मियों के टाइम में इतने बैंगल्स पहनना मुझे नहीं लगता कि ठीक होंगे। तो मैंने ये स्पेशल बच्चों के लिए बीकानो पनीर भुजिया मंगवाई है, ये स्पेशल बच्चों के लिए ही है, क्योंकि थोड़ी सी मीठी होती है और इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। इसका जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ है, और सच बोलूँ मुझे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसमें पनीर भुजिया मेंशन कर रखा है, बट मुझे किसी भी एंगल से इसमें पनीर नज़र नहीं आ रहा था, ना ही फ्लेवर पनीर जैसा हो रहा था, ना ही कहीं पनीर दिखाई दे रहा था। और इसमें जो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की है ये, वैसे आपको बाहर से भी नज़र आ रहा होगा किस तरह की नमकीन है, तो ये देखिए वाइट कलर की है, ये जो नमकीन है ये सूजी और आलू से बनाई गई है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, काजू, बादाम और किशमिश। जैसे मैंने बताया था ये मीठी है, यानी कि बच्चों को तो पसंद आने वाली ही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, बट ये नमकीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और मैं दोबारा इसे मंगवाने वाली नहीं हूँ। तो शाम के बज गए हैं 6:30, और 6:30-7 बजे के आसपास मैं हमेशा शाम को घूमने आती हूँ छत पर, तो वैसे ही मैं आज आई हूँ, और आजकल मैं अपने फुटवेयर चेंज कर करके छत पर आती हूँ घूमने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर तो आना जाना है नहीं है, लॉकडाउन लग गया है, तो मैंने सोचा इन्हें घर में ही क्यों ना पहन लिया जाए, और मुझे थोड़ा सा शौक़ भी है डिफरेंट डिफरेंट फुटवेयर पहनने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना है ताकि आपको हमारी
न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलती हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।